वेलकम बैक टू क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। देखिएगा यहाँ पे गिवन क्या है। द कंटेंट ऑफ टू वेजल कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:5 मिक्स इन ए रेशियो ऑफ 1:2 द रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी। तो ठीक है बच्चों, देखो कहना क्या चाहता है। मेरे पास एक बकेट है ये वाली, जिसमें मिल्क एंड वाटर है जो कि गिवन है इन द रेशियो ऑफ 2:3, और एक दूसरी बकेट है बच्चों ये वाली जिसमें मिल्क एंड वाटर मेरे पास गिवन है जो कि रेशियो क्या है 4:5। ठीक है जी, मैंने क्या करना है, इसको थर्ड बकेट में डालना है, मिल्क एंड वाटर की रेशियो वहां पे बनेगी। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वहां पे डालने से पहले मुझे रेशियो गिवन है 1:2 में ही डालना है। मतलब यहां से ये है बकेट नंबर 1, दिस इज बकेट नंबर 1, दिस इज बकेट नंबर 2, ये बकेट नंबर 2 ले रहा हूं मैं। तो ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर मैं 1 गिलास वाटर यहां पे डालता हूं या 1 गिलास मिक्सचर यहां पे डालता हूं, तो यहां से 2 गिलास मिक्सचर डालेंगे, यहां से 1 गिलास डाला, यहां से 2 डालने हैं, यहां से 1 डाला, यहां से 2 डालने हैं, टिल जब तक ये सारा का सारा मिक्सचर इसको फिल नहीं करता बकेट को। राइट, चलो जी डालने की ट्राई करते हैं। यहाँ तक का काम बिल्कुल सेम है। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही एक चीज कही थी कि सबसे पहले क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। ये बना मेरे पास 5, ये बना मेरे पास 9, और भाई एलसीएम ऑफ 5 and 9 इज इक्वल टू 45 बन गया है। तो बच्चों लेट द मिक्सचर इज इक्वल टू 45 लीटर। ठीक है, चलो जी ये भी 45 लीटर है, लेट से ये भी 45 लीटर है। अब हम क्या करेंगे, इस 45 के दो हिस्से करेंगे इन दो रेशो में, इनको भी इस दो रेशो में। ठीक है जी, तो 3 2 5 5 यूनिट इज इक्वल टू दिस, 1 यूनिट इक्वल टू 9, तो यहाँ से आएगा 1 यूनिट इक्वल टू 9, तो 2 यूनिट इक्वल टू 18 होंगी और 3 यूनिट बच्चों 27 होंगी। ठीक है, सेम चीज यहाँ से बच्चों, 9 यूनिट इक्वल टू दिस, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू आपका 5, तो बच्चों 4 यूनिट मेरे पास 20 होंगी और 5 यूनिट मेरे पास 25 होंगी, क्योंकि 1 यूनिट 5 है, तो 4 यूनिट 20, 5 यूनिट 25, 25। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपने क्या है, आपने यहाँ पे अब इनको डायरेक्ट जोड़ना नहीं है जैसे कि हम पहले करते थे। ये रेशो देने से पहले हम इनको ऐड करके जैसे यहाँ पे लिख देते थे, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 1 से करूंगा तो ये 18 और 27 एज इट इज रहा, इनको 2 से करूंगा तो बच्चों ये 40 और ये 50 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है आपने यहां से एक हिस्सा बाहर निकाल लिया है, यहां से इसके दो हिस्से बाहर निकाल लिए हैं, अब उनको मिक्स करना है आपने। ठीक है जी, तो मिल्क यहां पे 18 और 40 58 बना बच्चों रेशो, और वाटर यहां पे 50 एंड 27 तो आई थिंक 77 बना बच्चों, तो 58:77 जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड बनता है वही आपका आंसर आ रहा होगा। बिल्कुल शॉर्टकट है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप है, बट अगर आप इसको नॉर्मल वे से करोगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी जाएगा। ये सबसे अच्छा शॉर्टकट है इस क्वेश्चन का।